तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को समाप्त करना और इसकी तुलना डेंगू से करने वाला बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश में हिंदू संगठन और कई राजनीतिक पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं और उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं लोहरदगा शहर में भी इसका विरोध किया गया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मंत्री उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंकते हुए जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। जिले में विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ तेज हो गई है। बीजेपी के साथ हिंदू संगठन योगी सेना के सदस्यों ने स्टालिन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी कि ऐसे नेताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि कोई भी धर्म का मजाक न बना सके। वो बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा आप देखते आ रहे होंगे हिंदू धर्म के ऊपर ही टिप्पणियाँ करते आ रही है। तमिलनाडु की सरकार जो उसका जो बेटा है उदयनिधि वैसा वैसा बेटा जो हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हैं, अगर उसका अवकाश है तो किसी और धर्म के बारे में बोल करके दिखाए, लेकिन वो बोलेंगे तो हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही बोलेंगे। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार योगी सेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। टफ़न XT600 HCR TNT रिबा पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।